हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल है आपके। मुझे पता है बस 3-4 दिन बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। CSEET का मोस्ट अवेटेड एग्जाम, जो आप सब लोग जिसकी पिछले कई महीनों से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, फाइनली वो घड़ी आ गई और जब हमारा सपना पूरा होगा। अब कई लोग बोलेंगे, सर कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम भी कोई सपना होता है। हाँ बेटा, अगर एग्जाम नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाओगे, अगर CSEET का एग्जाम नहीं होगा तो आप एग्जीक्यूटिव में कैसे जाओगे, अगर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम नहीं होगा तो आप फाइनल में कैसे जाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एग्जाम क्यों होते हैं। एग्जाम्स होते हैं हमें आगे ले जाने के लिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने, अकेडमी ने, हमारी फैकल्टीज़ ने, हमारे स्टाफ ने और आप लोगों ने पिछले महीनों में इतनी कुछ मेहनत की है, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट, हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के ढेरों MCQs, उसके बाद फिर हमारे दो दो मॉक टेस्ट, उसके बाद रेगुलर जो आपको बैठा बैठा कर डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दी गई, डेली कुछ ना कुछ MCQs दिए गए, उसके बाद फिर अभी तक भी आपकी फरमाइशें चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स, आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, आज इस टॉपिक को रिवाइज करवा दो, आज ये चैप्टर को रिवाइज करवा दो। ना हम थक रहे हैं और बढ़िया बात यह है ना आप थक रहे हो। सीरियसली, इतना अच्छा आपकी बैच का डेडिकेशन है कि हम लोगों को भी इस लास्ट टाइम तक भी आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, हमारी पूरी बैच एग्जाम का वेट कर रही है कि हम फोड़ देंगे, एग्जाम तो आए, क्योंकि ICSI का मॉक टेस्ट तो अब है, हमारा मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, दो दो मॉक टेस्ट हम ले चुके हैं एकेडमी की तरफ से, तो सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। अब बस हम वेट करें जल्दी से एग्जाम हो जाए। इन अगले 2-3 दिनों में, स्पेशली एग्जाम के 2 घंटों में आपको क्या करना है, आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है वो आप समझ लें। अगले कुछ दिन बेटा एटीट्यूड रखना है जिस तरह से मैच देखने जाते हैं, जब चूंकि अभी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का टाइम चल रहा है, आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे तो शौकीन होते हैं क्रिकेट के और ऑलमोस्ट सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब हम क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो क्या हम हार या जीत सेलिब्रेट करने जाते हैं या मैच सेलिब्रेट करने जाते हैं। तो आप सबका आंसर होगा कि जो भी वहां जाता है ना, वो मैच का वो एनवायरमेंट, वो माहौल एंजॉय करने जाता है। और बाहर निकलकर, चाहे हमारी जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे हो, टीम हारे या जीते, हम बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का नहीं करते कि हमारी टीम हार गई। हमें हमारी यादें, हमारी यादों में कौन सी चीज़ रहती है, वो 3-4 घंटे जो हमने स्टेडियम में एंजॉय किया। और बेटा हमें भी यही करना है, हम इस मैच को एंजॉय करें। आप अगले कुछ दिन, जब तक एग्ज़ाम है और जब तक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगले कुछ दिनों के बाद वो 2 घंटे जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे, नर्वस होने की, रिजल्ट का फियर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन्जॉय द मैच, वो ही मज़ा है। और रही बात इस बात की कि फेल हो जाएंगे तो हम तो पहले ही आपसे कह रहे हैं कि हमारी क्लास में कोई फेल नहीं होगा। हमारा CSEET जब से चालू हुई तब से अभी तक का अगर हम एवरेज देखें, एक्सपीरियंस देखें, तो 95% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेशियो रहा है। हम रेगुलर क्लासेस में भी ये बातें करते हैं, गिनती के गलती से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, अदरवाइज तो सब लोग पास होते हैं। और इस बैच में तो हमने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत आप लोगों ने भी, हमने भी की है कि यकीन है इस बार तो हम सोचकर चल रहे हैं 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। और बेटा मैंने क्लास में हजारों बार कहा है कि हम 100 मार्क्स के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, हमारी लड़ाई तो 150, 160, 170, 180, 190, 200 आउट ऑफ 200 की है, तो 100 मार्क्स तो हमारे आ जाने, इसलिए पास और फेल, हार और जीत का तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी पूरी बैच में। प्रॉब्लम है कि मार्क्स कितने आएंगे, लेकिन उसको बर्डन मत बनाना, उसकी वजह से एक्साइटमेंट रखना कि कितना अच्छे से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हमारी सबकी बेस्ट विशेस, हमारी सबकी पूरी मेहनत आपके साथ है, लास्ट मोमेंट तक भी हम सब लोग आपके साथ हैं और उसके बाद भी हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद हम पार्टी करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करेंगे। हम ये चाहते हैं नवंबर एंड में जब आप सब लोग एग्जीक्यूटिव में आ जाएं, जो कि हमें यकीन है आप आओगे, पक्का यकीन है, बस मार्क्स कितने आने उस बात का एक्साइटमेंट है। जब हम एग्जीक्यूटिव में आ जाएं तो बिल्कुल हम साथ में मिलकर पार्टी करेंगे, वो अलग बात है, पर अभी अगले कुछ दिन पूरे जोश के साथ मैच को एंजॉय करो। नर्वस होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा जो एग्ज़ाम देता है उसे डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है,
लेकिन डर के आगे जीत है। एग्जाम हमें पास करने के लिए होते हैं, है ना। आप सी एस सी टी का एग्जाम दोगे तभी तो एग्जीक्यूटिव में जाओगे, तभी तो जो मेरा फेवरेट डायलॉग है क्लास का कि आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, जिस पर आप हंसते थे, तो वो समय तभी तो आएगा कि जब आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने जाओगे, जब आप एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करने आओगे, तब आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आप अब तक सुनते थे कि आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ना। तो वहां जाने के लिए सी एस सी टी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अकेडमी की ओर से, हमारी सबकी ओर से बेस्ट विशेष, और हम सब एग्जाम के बाद पेपर का रिव्यू भी करेंगे, और जब आप पास हो जाएंगे तो सेलिब्रेट भी करेंगे, और एग्जीक्यूटिव में आपका बहुत अच्छे से वेलकम भी करेंगे। नर्वस मत होना, फिर कह रहा हूँ, हमें फोड़ कर आना है, और उस बात का बर्डन मत लेना। 100 मार्क्स हम सबके आ रहे हैं, हमारा टारगेट है बस कुछ मिरेकल क्रिएट करना। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ कर आना, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।